रंजन सिंह परम आदरणीय सीएमएचओ साहब, डिप्टी सीएमएचओ साहब, सहायक निदेशक पियरो मैडम और समस्त जिले के पधारे हुए मीडिया प्रभारी, मैं आप सबका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज जो जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, राज्य स्तर से हेल्दी लीवर प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है अभियान, वो 17 जून से स्टार्ट होकर 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में समापन जयपुर में किया जाएगा। उसमें राज्य स्तर पे हमारा मीटिंग और कॉन्फ्रेंस ये हुआ और बिल्कुल टाइमलाइन के साथ में हमें राज्य स्तर पे क्या क्या एक्टिविटियाँ करनी है, जिला स्तर पे क्या क्या कार्यक्रम करना है और उसका समापन कैसे किया जाएगा, ये समय सीमा में हमको बांध दिया गया है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक DNCC मीटिंग करनी होती है, तो समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को बुला के हमने DNCC मीटिंग करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है और सभी विभागों को हमने जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, इस बाबत हमने जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से एक पत्र निकाला गया है। और विशेष रूप से इस अभियान में हमारे जितने भी ज़िले के जल स्रोत हैं उनका शुद्धिकरण का कार्यक्रम किया जाना है, मैराथन दौड़ की जानी है, रैलियों का आयोजन किया जाना है और इसके साथ में विद्यालय में हम लोग वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन, जितने भी जिला स्तर पे जेल है ज़िले में उनमें जो कैदी है उनका स्क्रीनिंग का कार्यक्रम इसमें किया जाएगा और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो ये पूरे कार्यक्रम जो है वो इस 27 तारीख तक हम समापन कर देंगे। 20 तारीख तक हमको जिला स्तर पे हमें निर्धारित प्रपत्र दिए हैं विभागवार क्या क्या एक्टिविटी हुई और उसमें समस्त एक्टिविटी वाइज उनको अंक निर्धारित किए हैं। प्रत्येक विभाग को राज्य स्तर पर जिसने अच्छा काम किया है और राजस्थान लेवल पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो इस पूरे प्रोग्राम के तहत ये है जिसके तहत आज हमने आपको इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए यहाँ पे बुलाया है। पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और माननीय डिप्टी CMHO साहब से निवेदन करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में अवगत कर बताया। निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत हेल्दी लीवर कैंपेन जो राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें ये देखा गया है कि वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के रोगी जो है देश में उनकी इन्फेक्टिविटी और उनकी तादाद संख्या जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। ये कुछ ऐसी बीमारी है जो पहले तो लक्षण दिखते नहीं हैं और उस व्यक्ति के अंदर वो बीमारी जो है वो बढ़ती जाती है, तो समय पर इसकी स्क्रीनिंग करी जाए जो हाई रिस्क ग्रुप है और उसके बाद उनको आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको उपचार दिया जाए और उनको अलग अलग तरीके की काउंसलिंग की जाए। ये जो खास हेल्दी लीवर कैंपेन चलाने के पीछे जो मेन मकसद ये है कि हमारी जीवन शैली में जो पेयजल स्रोत हैं उनके द्वारा इसके इन्फेक्शन का खतरा जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, तो उन पेयजल स्रोतों को हमें किस प्रकार से शुद्धिकरण करना है, प्लस हमारे जितने भी लोग हैं उनको किस तरीके से हमें जागरूक करना है ताकि वो इस चीज़ को समझें कि हेल्दी लीवर कैंपेन असल में है क्या, या हमारे लीवर के संबंधित हेपेटाइटिस बी और सी की जो बीमारी है वो किस तरीके से फैलती है, उसको किस तरीके से रोका जा सकता है और हमें रोकने के लिए क्या हमारे घरेलू उपाय हो सकते हैं, या विभाग की IEC या पत्र पत्रिकाओं या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो भी हमें सूचनाएँ मिलती हैं उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। इसी संदर्भ में जो चूँकि नोडल विभाग तो मेडिकल एंड हेल्थ है, परंतु इस बीमारी के फैलने के कारण किन किन विभागों से संबंधित हो सकते हैं और कहां कहां हमें एक फोकस पॉइंट है कि यहां पे हमें फोकस करना है, किस तरीके से इसको रोका जाना है, तो उसमें जो कार्य योजना है उसमें फर्स्ट हमारा जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग है जिसमें पेयजल शुद्धिकरण किया जाएगा। PHAD के द्वारा समस्त पेयजल स्रोतों की सूची बनाकर समस्त पेयजल स्रोतों के नियमानुसार सैंपल की जांच एवं साफ सफाई तथा क्लोरीनेशन किया जाएगा। साफ सफाई सुनिश्चित करने वाले जिले के अधिकारी PHAD को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। PHAD द्वारा समस्त जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर नियमानुसार पेयजल स्रोतों के शुद्धिकरण के प्रगति की रिपोर्ट अपने विभाग के साथ साथ CMHO कार्यालय में भी भेजी जाएगी। समस्त पेयजल स्रोतों पर सफाई एवं क्लोरीनेशन की दिनांक आवश्यक रूप से लिखी जाएगी। तो ये आपसे भी एक अनुरोध हमारा रहेगा प्रेस वार्ता के माध्यम से कि PHAD के जितने भी सोर्सेज हैं ड्रिंकिंग वाटर के,
तो उनका जो बड़ा टैंक है, वैसे तो उनके नियमानुसार हर 6 महीने में वो उसकी सफाई करते हैं, तो उस पर उनको एक स्लोगन लिखना होता है कि हमने किस दिनांक को और कब हमने सफाई करी। तो ये चीज़ें भी हमें चेक करनी है कि वास्तव में उनके द्वारा ये जो कार्य किया गया है तो उससे हमारा उस कार्य की पुष्टि हो जाएगी। उसके बाद में हमारे जो मेजर जो वाटर सोर्सेस होते हैं ड्रिंकिंग के, वो होते हैं पंचायती राज के। तो ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित पेयजल स्रोतों के सफाई और शुद्धिकरण के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए समस्त वीडियो और पंचायत विकास अधिकारी के द्वारा उनके क्षेत्र में संचालित समस्त पेयजल स्रोतों की सफाई एवं शुद्धिकरण नियमानुसार सुनिश्चित किया जाएगा। समस्त पेयजल स्रोतों पर सफाई और क्लोरिनेशन की यहाँ पर भी दिनांक डाली जाएगी। यदि वो हैंडपम्प है तो हैंडपम्प पे भी लिखा जाएगा, या उनका कोई पानी का दूसरा टंकी से सोर्स है या दूसरा जो भी सोर्स है, तो उसके भी शुद्धिकरण की दिनांक वहाँ पे अंकित करी जाएगी। बस स्टैंड, जेल, अस्पताल, विद्यालय तथा समस्त राजकीय एवं निजी कार्यालय, संस्थान, सार्वजनिक स्थान इत्यादि पर संचालित जितने भी हमारे पेयजल स्रोत हैं, उन सभी पेयजल स्रोतों की साफ सफाई और शुद्धिकरण का कार्य संबंधित विभाग और एजेंसी जो वहाँ पे उस कार्यालय का जो प्रमुख है उसके द्वारा ये सुनिश्चित की जाएगी कि हमें किस तरीके से इसका शुद्धिकरण किया जाना है। सी की स्क्रीनिंग एवं उपचार तथा तंबाकू मुक्त हेतु काउंसलिंग एवं उपचार, दो तरीके के टास्क हमें जेल कैदियों के लिए मिले हैं। एक तो है हमारे हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग, जितने भी हमारे जेल में कैदी हैं उन समस्त की हेपेटाइटिस बी की भी और हेपेटाइटिस सी की भी स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से करी जाएगी। प्लस हमें ये निर्देश दिए गए हैं इस योजना के अंतर्गत कि हमें जेल में कितने कैदी तंबाकू के उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करना है, देन आफ्टर हमें उनकी काउंसलिंग करनी है और हमें उनका उपचार करना है, और उसमें हमें फॉलोअप भी लेना है कि हमारे कितने ऐसे कैदी थे जो तंबाकू का उपभोग करते थे और कितनों ने हमारे काउंसलिंग से मोटिवेट होके और तंबाकू का उपयोग जो है वो उनके द्वारा बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ में वहाँ पे जो हमारा जिला स्तर पे जो ट्रीटमेंट सेंटर है तंबाकू निषेध का MG अस्पताल में, तो उनके थ्रू हम उपचार की हमारे पास में दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ जो निकोटीन वगैरह की टैबलेट्स हैं वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। स्वच्छता कार्य में लगे हुपर वाहनों के माध्यम से संदेश प्राप्त प्रसारित करना है। जैसे हमारे जिला नगर परिषद के जो सफाई कलेक्ट करने वाले जो भी व्हीकल्स हैं या हमारे जो फोर्सेस हैं उनके अगर कोई साउंड मीटर लगे हुए हैं तो वहाँ पे हम क्लिप बनाकर उनको वो क्लिप ऑडियो क्लिप प्रदान करेंगे, जिससे कि हेल्दी लिवर के संबंध में कचरा प्रबंधन के साथ साथ ये जागरूकता संदेश भी प्रसारित किया जा सके। सोशल मीडिया के माध्यम से हेल्दी लीवर कैंपेन की गतिविधि तथा हेपेटाइटिस रोगों के बचाव और उपचार के संबंध में सोशल मीडिया पर जनप्रतिनिधियों, ओपिनियन लीडर्स, धर्मगुरु, जिला अधिकारियों के संदेश वीडियो संदेश के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आम जन के लिए वीडियो संदेश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सर्वाधिक देखे गए, लाइक किए गए, शेयर किए गए, रीट्वीट किए गए वीडियो बनाने वाले व्यक्तियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। तो आपसे एक मेरा अनुरोध है कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में हाईलाइट करें। खुशी बेबी करके एक NGO है स्टेट लेवल पे, तो यदि व्यक्तिगत रूप से भी कोई भी व्यक्ति हेपेटाइटिस बी सी और हेल्दी लीवर कैंपेन के बारे में कोई ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप या ऐसा विज्ञापन प्रसारित करना चाहता है, वो चाहे सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, खुद का वो हैंडल हो सकता है फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, आपके ट्विटर हो, यूट्यूब हो, लेकिन इसमें एक शर्त ये रखी गई है कि हैशटैग के साथ में निरोगी राजस्थान का जो हम आपको अभी दे देंगे, जिससे कि क्या होगा कि स्टेट लेवल पे जो असेस करने वाली टीम है वो ये देख पाएगी कि किस यूज़र ने ये संदेश दिया था और उसके कितने फॉलोअर्स हुए, कितने उसके शेयर हुए, कितने रिट्वीट हुए और कितने उसके व्यूअर हुए। इसमें प्रथम प्राइज़ जो है अलग अलग कैटेगरी में खुशी बेबी की तरफ से 5,000 रुपया व्यक्तिगत पुरस्कार है जो उसको नगद रूप से दिया जाएगा, दूसरा 3100, तीसरा 2100 रुपये का ये पुरस्कार राज्य स्तर पर दिया जाएगा। लास्ट बारी जो तंबाकू निषेध दिवस जो 100 दिवसीय कार्य योजना चली थी उसमें चूरू की एक डॉक्टर साहब थे, उनको वो फर्स्ट आए थे तो उनको ये पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद में विश्व हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई 2022 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हो रहा है, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि मैं अभी मीटिंग में जाके आया था जयपुर परसों, तो उसमें बताया गया है कि पूरे इंडिया के जितने सेक्रेटरीज हैं
वो जो सेंट्रल मिनिस्ट्री के हैं उन सबका जो इंडिया लेवल का कार्यक्रम जो है वो यहाँ प्रस्तावित है राजस्थान में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे यदि इस कैंपेन में अच्छा काम होता है, क्योंकि ये इनिशिएटिव राजस्थान ने अपने तरीके से लिया कि हम हेल्दी लीवर के लिए एक अलग इनिशिएटिव चला रहे हैं और देश में हम अलग से एक नया संदेश जो है वो देना चाहते हैं। तो इस तरीके की ये जो गतिविधियाँ हैं वो आयोजित करनी है। जैसा कि मैडम ने बताया, 7 जुलाई को हमारे यहाँ पर जिला स्तरीय DLCC की मीटिंग हो गई थी। उसके बाद में हमारे 11 ब्लॉक में सभी SDM साहब की अध्यक्षता में वहाँ पे BLCC की मीटिंग हो गई, जिसके मीटिंग मिनट्स हमको प्राप्त हो चुके हैं। जो कार्य योजना राज्य स्तर से जारी करी गई थी कि किस तरीके से किस विभाग को क्या काम और किस तरीके से करना है, उन कामों के बारे में उनको सेंसिटाइज कर दिया गया है। बाकी रैली और मैराथन दौड़ का जो भी आयोजन की तारीख जो हमारे द्वारा निश्चित की जाएगी वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद में हम साइकिल रैली या फिर मैराथन का आयोजन जो है वो करेंगे। उनके भी हमें स्क्रीनिंग करनी है। तंबाकू उपभोग में पाए जाने वाले TB रोगियों की काउंसलिंग और डॉट्स प्रोवाइडर के द्वारा करनी है, जो वहाँ पर TB के मरीज को जो दवाई खिला रहा है डेली बेसिस पे, तो उसके द्वारा भी इसकी काउंसलिंग करी जाएगी। और तंबाकू मुक्ति उपचार के लिए रोगियों को नंदी के स्वास्थ्य केंद्र TCC जिला अस्पताल नेशनल क्विट लाइन पर रेफर किया जाएगा। निर्धारित इंडिकेटर्स के अनुसार जेलों में सर्वाधिक उपलब्धि वाले जिले को DTO जो डिस्ट्रिक्ट टूबरकुलर ऑफिसर हैं उनको अलग से सम्मानित किया जाएगा। ART केंद्रों और लिंक ART केंद्र जो हमारे HIV के जितने भी मरीज हैं जो हमसे दवाइयाँ ले रहे हैं, उन समस्त ART केंद्रों और लिंक ART केंद्रों पर पंजीकृत PHLI रोगियों की हेपेटाइटिस बी एवं सी की स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाएगी। पॉजिटिव पाए जाने वाले वायरल लोड जांच तथा उपचार जो है वो उनका सुनिश्चित किया जाएगा। समस्त रोगियों की NVHCP डैशबोर्ड पर ऑनलाइन एंट्री भी संबंधित IRT लिंक ARTI के द्वारा की जाएगी। इस हेतु हमने डॉक्टर दीपा कटारा को MG अस्पताल में नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। NVHCP अनुभाग द्वारा समस्त ARTI लिंक ARTI को लॉगिंग पासवर्ड जो हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। राजस्थान स्टेट एड्स एंड कंट्रोल सोसाइटी के अंतर्गत TISRTC लिंक ARTC के माध्यम से HIV समूह की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, जिसकी रिपोर्टिंग संबंधित ARTI और लिंक ARTI के द्वारा की जाएगी। समस्त जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें हमारे हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग करी जाएगी। प्रत्येक गुरुवार को जो हमारा टीकाकरण दिवस आयोजित होता है और जो प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें और इसके साथ में प्रत्येक माह की 9 तारीख को जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का जो आयोजन किया जा रहा है, इन सभी में गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग निर्धारित प्रपत्र एक्सेल शीट के साथ में अपलोड की जाएगी और उसका डाटा जो है वो PCTS सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखा जाएगा। नवजात शिशुओं को हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज लगाना, रूटीन इम्यूनाइजेशन में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो 24 घंटे के अंदर हमें हेपेटाइटिस बी का 0 डोज लगाना होता है। तो NHM कंडीशनलिटी के अनुसार समस्त नवजात शिशुओं को हेपेटाइटिस बी का टीका 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है। बच्चों में सर्वाधिक नवजात शिशुओं को हेपेटाइटिस बी की 0 डोज लगाने वाले जिले के RCHO को भी विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2022 पर सम्मानित किया जाएगा। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव महिलाओं से जन्मे शिशुओं का HBIG इम्यूनोग्लोबिन का टीकाकरण, ये भी कंडीशनलिटी के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से जुलाई 2022 तक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव महिलाओं से जितने भी बच्चे जन्मते हैं उन सभी बच्चों में सर्वाधिक शिशुओं को इम्यूनोग्लोबिन की जो डोज लगाने वाला जो भी जिला होगा उस जिले के RCHO को वहाँ पे हेपेटाइटिस दिवस पर सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। स्वच्छता कार्यक्रम में लगे हुपर वाहनों के माध्यम से तो कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नगर पालिका के द्वारा हेल्दी लीवर के संबंध में कचरा प्रबंधन में लगे हुपर वाहनों के माध्यम से जन जागरूकता संदेश प्रसारित करवाएं और इसके साथ ही प्रचार प्रसार की IC प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के द्वारा प्रसारित किया जाएगा। कैंपेन के संबंध में बैनर फ्लैक्स पोस्टर रैली सोशल मीडिया कैंपेन होर्डिंग एवं अन्य गतिविधियां जिला कार्य योजना के अनुसार सम्मिलित की जाएंगी। प्रभावी IEC गतिविधियां आयोजित करने वाले जिलों के IEC समन्वयक को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।
NVHCP पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री, समस्त मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर के स्तर पर हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग एवं उपचार की एंट्री सुनिश्चित की जाएगी। 1 अप्रैल 2022 से 20 जून 2022 तक अधिकतम रोगियों की ऑनलाइन एंट्री करने वाले MTC या ट्रीटमेंट सेंटर के नोडल अधिकारी को भी राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। महिलाओं के संस्थागत प्रसव हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव महिलाओं से जन्मे शिशुओं को इम्यूनोग्लोबुलिन टीका तथा समस्त नवजात शिशुओं को हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज लगाएंगे। इसके लिए भी जो काम करेगा तो RCHO को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जितने भी हमारे HIV/AIDS के मरीजों के ट्रीटमेंट के जो मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर हैं या ट्रीटमेंट सेंटर हैं, वहाँ पर सभी हेपेटाइटिस रोगियों की स्क्रीनिंग और उपचार की व्यवस्था की जाएगी। मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर के द्वारा हेपेटाइटिस बी एवं सी का जो रोगी होगा उसको निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्क्रीनिंग और उपचार सुनिश्चित किया जाएगा और समस्त स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट पर रखे गए जितने भी हमारे रोगी हैं उनकी एंट्री ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ये जितनी भी हमारी एंट्रीज हैं दिनांक 1 अप्रैल 2022 से 20 जून 2022 तक अधिकतम रोगियों की ऑनलाइन एंट्री करने वाले नोडल अधिकारी या एपिडेमोलॉजिस्ट माई टीम को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। गर्भवती महिलाओं में ANC हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव महिलाओं की संस्थागत प्रसव हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव जन्मे HBA उनको हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबुलिन, ये सभी अलग अलग इसलिए बार बार बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा फोकस ये है कि हमारी जितनी भी गर्भवती माताएं हैं उन सभी का समय पर हेपेटाइटिस बी और सी के लिए स्क्रीनिंग हो जाए तो हमारी जो गर्भवती माता है उसके स्वास्थ्य को भी हम बचा सकें और उससे जो फर्दर पैदा होने वाला जो नवजात शिशु है उसके अंदर भी ये बीमारी जो है वो नहीं फैले। बैठे हुए हमारे PRO मैडम, साथ ही डिप्टी सीमेजर साहब डॉक्टर हेमलता जी जो इस प्रोग्राम के देख रहे हैं और साथ ही हमारे मीडिया साथी जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सर्वप्रथम तो आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि अभी अपन सभी के बीच में डिस्कशन हुआ है, जैसा मैडम ने पूरा डिटेल आपके सामने बात रखी है, वैसे ही हमारे डिप्टी सीमेजर साहब ने जो जो कार्यक्रम हमारे इस महीने में होने हैं उसके संबंध में भी चर्चा की गई। विशेष करके जो ये हमारा प्रोग्राम है वो निरोगी राजस्थान जो एक कार्यक्रम है उसी के अंतर्गत हमारा जो हेल्दी लीवर कैंपियन जो एक 28 दिन का प्रोग्राम है वो हमने जो पूरे राजस्थान में शुरू है जिसके तहत बांसवाड़ा के अंदर भी ये एक्टिविटी हो रही है। जैसा कि अभी आपको बताया था, जैसे डे वाइज का प्रोग्राम पूरा डिटेल जो आपके समक्ष रखा था, इसमें जैसा कि हमारा विभाग जैसे कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में बैठक हुई जिसके अंदर सभी डिपार्टमेंट जो जो डिपार्टमेंट है उनको सभी डिपार्टमेंट और सभी लोगों को साथ में लिया है, यानी कि उसके तहत हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हर व्यक्ति के पास में मैसेज जाए और हम स्वस्थ रहें, यानी कि हमारा लीवर जो है लीवर को स्वस्थ रखना है और उसके लिए जो लीवर में फैलने वाली विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ हैं उसको कैसे रोका जाए, ये हमारा उद्देश्य है इसमें। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे साथ में कलेक्टर साहब की अध्यक्षता के अंदर सभी बैठक हमारी सभी अधिकारियों के साथ में हुई है और उसी के तहत अपना अपना कार्य सभी विभागों के द्वारा किया जा रहा है। उसके अंतर्गत जैसा अभी डिटेल जो बात हुई है उसमें विशेष करके जो लीवर को डैमेज करने वाले जैसे कोई पानी के सोर्सेज हैं या कोई ऐसी बीमारी है वायरस इन्फेक्शन है या ये, तो हमारा स्क्रीनिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो क्या है कि जो ऐसी बीमारी फैलने वाली है उसको रोकना नंबर एक। दूसरा क्या है कि यदि कोई ऐसा इन्फेक्टेड है वायरस से तो उसकी स्क्रीनिंग करके वो लीवर से इन्फेक्टेड है तो ऐसे लोगों को फर्स्ट प्राइमरी तौर पर ट्रीटमेंट देना, तो ये हमारा एक उद्देश्य है इस प्रोग्राम के माध्यम से। और बाकी सभी बातें जो जैसा कि हमारे जो प्रोग्राम विभाग की ओर से होने हैं उसके अंदर मैं चाहता हूं कि सभी का